हैं दिल्ली में एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1031 के टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। एसीबी चीफ मुकेश मीना ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने हेल्पलाइन 1031 शुरू की थी। लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकेश मीना वर्सेस एसएस यादव की लड़ाई चल रही है। मुकेश कुमार मीना एलजी के अपॉइंटी हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी दो पैरेलल हेल्पलाइन की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 50,000 के करीब कंप्लेंट्स आई हैं दिल्ली सरकार को, जो एसीबी को ट्रांसफर नहीं की जा रही है। ऐसे में एसीबी कैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करे, जबकि अरविंद केजरीवाल सरकार का रुख ये था कि एसीबी ने मुकेश कुमार मीना की सिर्फ ट्रेनिंग का जिम्मा है उनको उनके पास, और उन्हें जांच का काम नहीं करना है। हमारे साथ इस वक्त शिवानी जुड़ रही हैं। शिवानी, लगातार गतिरोध बना हुआ है दोनों के बीच में, और अभी एक नया पैंतरा मुकेश कुमार मीना ने फेंका है। दिल्ली में भ्रष्टाचार अब किस स्तर पर पहुंचेगा? हमारे साथ शिवानी से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ नरेश बिस्वानी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नरेश, हम लगातार देख रहे हैं ये बैटल जो एलजी और वर्सेस अरविंद केजरीवाल की चल रही है। आज अब इस दिन एक बार फिर से मुकेश कुमार मीना ने ये कहा है, जांच के आदेश दे दिए 1031 हेल्पलाइन की टेंडरिंग प्रोसेस में। जी बिल्कुल, देखिए 1031 की जो हेल्पलाइन है पिछले कुछ दिनों से विवादों में रही है। इससे पहले मुकेश कुमार मीणा ने ये बात कही थी कि 1031 पे जो कंप्लेंट उन्हें मिलनी चाहिए वो कंप्लेंट उन्हें मिल नहीं रही थी, और साथ ही साथ जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है उस हेल्पलाइन को एक्सेस करने के लिए वो चेंज कर दिया गया, यही कारण है कि उन्हें कंप्लेंट नहीं मिल रही थी। लेकिन इसी बीच एक कंप्लेंट उन्हें मिला है जिसका नाम सुबोध जैन है, और सुबोध जैन ने पहले आरटीआई लगाई थी दिल्ली सरकार के पास, और ये बात पूछी गई थी कि जो उसकी टेंडर प्रक्रिया होती है वो क्या होती है और उसके तहत किस तरीके से ये टेंडर दिए जाते हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार से कोई जवाब नहीं मिला, लिहाजा उसने अब एसीबी में कंप्लेंट दी है, और इस कंप्लेंट के बाद एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीना ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर एक बार दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं आमने सामने है, और मुकेश कुमार मीना जो कि पूरे मामले की अब जांच की आदेश दे चुके हैं, साफ तौर पर लगता है कि एक बड़े लेवल पर ये जांच जाएगी और कहीं ना कहीं कुछ बड़े नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हेल्पलाइन थी, दिल्ली वालों की कितनी हेल्प हो रही होगी जब उस हेल्पलाइन के टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं।